हाशमी है और मैं कैंसर फाइटर हूँ. मैं फॉट किया और मैं विक्टर हूँ. मैं कुछ बोलना है कि कैंसर अनक्यूरेबल नहीं है, क्यूरेबल है. और आपका चाइल्ड कैंसर है फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को सेंड करो. नो मैटर व्हाट कोई भी जेंडर है फिर सेंड करो. ये फ्री अकोमोडेशन हेल्प करे और न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हाँ और प्लेस टू स्टे, घर है. ओके. जब आपको कैंसर हुआ था उस वक्त आपके डैड आपके मॉम आपके साथ में हुआ करते थे? हाँ. उस मेंटल इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और आपका आप योर चाइल्ड, इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड हु हैज कैंसर, यू मस्ट सपोर्ट द पर्सन हु हैज कैंसर. यू मस्ट सपोर्ट हिम और हर टू फाइट इट, बिकॉज एक्चुअली योर चाइल्ड इज द फाइटर. आपका बच्चा फाइटर होगा. बहुत स्ट्रॉन्ग. आप मालूम है मैं ये किया, मैं फाइटर, मैं कैंसर डिफीट किया, फिर मैं कुछ भी डिफीट कर. थैंक यू. हाय हाय गाइस, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू, हाउ यू. ओके, रोलिंग है गाइस. बेसिकली ये जो होप 2019 है इसके लिए मैं पहले भी आया हूँ. एंड इम्पैक्ट फाउंडेशन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो सब जुड़े हैं इसके साथ, मैं उनके साथ मेरे करियर के बिगनिंग से जुड़ा हूँ जब मैं पहले भी आता था. एंड बहुत वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे. बच्चे हमें होप देते हैं, एक्चुअली हमें उनको होप देने की ज़रूरत नहीं है. दे आर द ग्रेटेस्ट फाइटर्स. इतने कम उम्र में ये बच्चे कैंसर जैसे डेडली डिजीज़ को डिफीट करते हैं, लड़ते हैं, बहुत ही बड़ी बात है. एंड ऐसे जो फाउंडेशंस हैं उनकी बहुत मदद करते हैं. आई ऑलवेज इन्जॉय अराउंड किड्स, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट होता है. इट जस्ट फील्स वेरी वंडरफुल. और एक छोटी सी चीज़ ऐसे उनको खुशी देती है, उनके माँ बाप को खुशी देती है, इट्स अमेजिंग. एक्चुअली माई फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करूँगा, बट जो मेरे चाचा थे उनको कैंसर की बीमारी हुई थी, विच ही पास्ड अवे विद. सो आई थिंक ये मतलब ये दुनिया भर में एक ऐसी डिजीज़ है विच हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ लाइव्स. बहुत सारी फैमिलीज हैव सफर्ड फ्रॉम दिस. सो बहुत अच्छा लगता है जब सब इंसान साथ में आके इसके लिए कुछ करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए यार, क्योंकि वो लोग इतने छोटे होते हैं, उनको वो समझ नहीं होती कि क्या हो क्या गया उन्हें. बट दैट्स वाई 70% kids are able to beat cancer most of the time, because their willpower and their power to fight the disease is higher usually than older people. Varun, aapke bacche hamesha se bade fans rahe hain. How what is that feeling to inspire these kids, you know, like they look up to you, they look up to it's, become someone like you? No, it's wonderful. I think the first thing that we need to teach all our kids is to be a good human being. एवरीथिंग एल्स सेकेंडरी, सब कुछ बाद में आता है. पहले हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अच्छे इंसान बने, बाकी सब कुछ बाद में आता है. इट्स ईजियर सेड एंड डन, आई नो दैट. और यहाँ आके जस्ट टू सी द एफर्ट, कि डॉक्टर्स जितना एफर्ट डाल रहे हैं, ये बच्चों के माँ बाप कितना एफर्ट डालते हैं, मतलब आई रियली बाउ डाउन टू द पेरेंट्स, क्योंकि रोज़ इतना केयर करना, बहुत लोगों के पास पैसों की कमी होती है. बट दैट्स व्हेन यू नो द इम्पैक्ट फाउंडेशन कम्स इन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कम्स इन टू हेल्प दीज पीपल. आई जस्ट से हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस. अभी फिलहाल मैं बस इसके लिए आया हूँ, तो मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँगा. करेक्ट करेक्ट. इट्स आई गॉट saying that with children it's more treatable at this early age. You can give them the statistics about this. So बच्चों के कैंसर और एडल्ट कैंसर्स में ये फ़र्क है कि बच्चों के जो कैंसर्स हैं वो क्योरेबल हैं, और आजकल हमारे बच्चों के जो क्योर रेट्स हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 70-80%. एंड इसके लिए वी हैव इम्पैक्ट फाउंडेशन एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बच्चों की मदद करती है. एंड वी हैव वरुण सपोर्टिंग इम्पैक्ट फाउंडेशन. थैंक यू. थैंक यू.
Thank you guys. Thank you.